हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज के वी सी। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी की होगी, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स की है, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा, जो जिसके रूट्स हमारे रियल नहीं होते। आपने पहले भी किया होगा कि हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें डी निकालते थे। सबसे पहले डी इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी आता था। अगर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रियल रूट्स होते थे, और अगर डी लेस देन जीरो आ जाए तो हम लिख देते थे इमेजिनरी रूट्स और हम आगे सोल्व नहीं करते थे। आज हम जब डी लेस देन जीरो होगा तो उसको सोल्व कैसे करना है वो देखेंगे। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डी लेस देन जीरो होता था तो उसका अंडर रूट नहीं निकलता था, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में बी स्केयर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट होता था, और डी लेस देन जीरो है तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का अंडर रूट हमने अभी तक नहीं देखा था, जो कि अब हम करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि माइनस वन का अंडर रूट नेगेटिव टर्म का अंडर रूट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और आयटा के फॉर्म में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमारा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं। तो एक्स स्केयर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया हमारा। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस थ्री। अब नेगेटिव टर्म का अंडर रूट कैसे निकलता था, यही हमने अभी देखा था पिछली एक्सरसाइज में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस वन इंटू थ्री लिख सकते हैं, यानी माइनस वन का अंडर रूट और इंटू अंडर रूट थ्री। माइनस वन का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा, और अंडर रूट थ्री का प्लस माइनस थ्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस थ्री आयोटा, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, सॉरी अंडर रूट थ्री आयोटा। तो ये इसके आंसर आ गया। और इसका दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड है जो, जो हम बी स्केयर माइनस फोर ए सी वाला फॉर्मूला लगाते थे उसके हिसाब से इसमें क्या बनेगा। देखिए एक्स स्केयर प्लस एक्स की टर्म जीरो है, जीरो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी ए इज इक्वल टू वन, बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू थ्री। तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। माइनस बी, बी की वैल्यू जीरो है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर जीरो माइनस फोर ए सी, यानी फोर इंटू थ्री बाय टू। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ट्वेल्व बाय टू। माइनस ट्वेल्व का अंडर रूट हम लेंगे, वो कैसे लेंगे, प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू फोर इंटू थ्री बाय टू, प्लस माइनस। अब अंडर रूट माइनस वन आयोटा हो गया, दिस इज टू, फोर का अंडर रूट, और थ्री को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बाय में टू, टू से टू कैंसिल, तो दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। ये हमारा आंसर वही सेम आ गया, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इक्वेशन दी है टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें ए कितना है, टू, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी कितना आ जाएगा, पहले हम बी स्केयर माइनस फोर इसी निकाल लेते हैं। वन स्केयर माइनस फोर इंटू टू इंटू वन, यानी वन माइनस एट, माइनस सेवन आ गया। अब एक्स की वैल्यू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो माइनस पी यानी माइनस वन, बी वन है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी, हमने माइनस सेवन निकाल लिया, बाय टू ए, टू इंटू टू। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सेवन, यानी अंडर रूट सेवन आ गया, और माइनस वन के नाम का हमने आयोटा लगाया, बाय फोर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब इसकी वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगी, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सेवन आयोटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन बाय फोर प्लस माइनस अंडर रूट सेवन बाय फोर आयोटा, ये भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो
ए इज इक्वल टू 1, बी 3 है और सी 9 है, तो बी स्केयर माइनस 4AC इज इक्वल टू 3 का स्केयर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, यानी 9 माइनस 36 यानी 27 आ गया माइनस का। तो x इज इक्वल टू माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4AC, माइनस 27 है बाय 2 ए 1 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27, माइनस को हटा के आयोटा लगा दिया हमने बाय 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 इज 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ये इसका हमारा रूट्स आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू माइनस 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले बी स्केयर माइनस 4 AC देखते हैं, बी स्केयर माइनस 4 ए माइनस 1 है और सी भी माइनस 2 है, तो 1 माइनस 8 माइनस 7 आ गया। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी दिस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4 AC, माइनस 7 था, 2 ए माइनस 1 है ध्यान रखिएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयटा के ले लिया आपने माइनस 1 को बाय माइनस 2, तो ये हमारी इसकी वैल्यूज आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयटा बाय 2, ये माइनस 2 हमने इससे कैंसिल कर दिया और ये माइनस प्लस था, प्लस माइनस ही रहेगा, ये आंसर आ गया हमारा।